हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख सकते हैं आप, टॉपिक है आपका हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का टॉपिक है और टॉपिक हमने लिया है अनुप्रास अलंकार। तो क्या होता है अनुप्रास अलंकार, कैसे इसकी डेफिनेशन दे पाएंगे, उदाहरण कैसे देना, स्पष्टीकरण कैसे देना, सब कुछ वीडियो में बताएंगे। तो चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। तो पूछ लेता है पेपर में कि अनुप्रास अलंकार के लक्षण बताइए। तो लक्षण में सिंपली आपको क्या करना है, परिभाषा देनी होती है, उदाहरण देना होता है, स्पष्टीकरण देना होता है। कुछ लोग कहते हैं स्पष्टीकरण जरूरी नहीं है, बट ये बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि परिभाषा उदाहरण तो आपको आती है, आपने लिख दी, लेकिन एग्जामिनर कैसे समझेगा? उसे एक एक चीज का स्पष्टीकरण चाहिए कि क्यों यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो स्पष्टीकरण इसलिए जरूरी है, ठीक है। तो आज की हमने जो परिभाषा ली है गद्य और पद्य का रूप है। गद्य और पद्य का रूप भैया कैसे? तो पद्य में हमने एक दोहा लिया है, एक दोहे के माध्यम में हम पूरी आपकी डेफिनेशन अनुप्रास अलंकार की क्लियर कर देंगे। लेकिन जिसको ना समझ में आए उसका गद्य रूप में सारांश भी होगा, ठीक है, तो आसानी से आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उदाहरण कैसा होगा? उदाहरण में हम वर्णों के आधार पर हम कहेंगे, उदाहरण को देख के वर्णों के आधार पर समझेंगे कि अनुप्रास अलंकार कब हो सकता है, ठीक है। तो परिभाषा उदाहरण हो गई, अब स्पष्टीकरण कैसे देना है? स्पष्टीकरण के लिए हम क्या करेंगे, परिभाषा और उदाहरण से जो निष्कर्ष निकल के आएगा, जो निष्कर्ष निकल के आएगा कि क्यों अनुप्रास अलंकार है परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से, ठीक है, तो उसके आधार पे हम कहेंगे और एग्जामिनर भी आसानी से समझ जाएगा कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमें ध्यान देनी पड़ेंगी। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि एक दोहे का रूप है। जहां एक ही वर्ण, जहां एक ही वर्ण जो आए अनेकों बार, जहां एक ही वर्ण जो आए अनेकों बार, बार बार हो आवृत्ति, वहां अनुप्रास अलंकार। अब कैसे हुआ? जहां एक ही वर्ण जो अनेकों बार आए, ठीक है, और उसकी बार बार आवृत्ति हो, ठीक है, बार बार पुनरावृत्ति हो, वहीं पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे ये एक पूरे दोहे का रूप है, दोहे का रूप है। अब यहाँ पे जैसे जा वर्ण है, जहां हो गया, अब यहाँ पे आ जाए, जहां पे एक है वहां पे भी जक आ जाए, जी आ जाए, ठीक है, बार बार जा वर्ण की आवृत्ति हो, ठीक है। जहां एक ही वर्ण, जैसे जा वर्ण एक वर्ण हो गया और उसकी आवृत्ति कई बार हो, इस पंक्तियों में, एक लाइन में, पूरे में कई बार जा वर्ण की आवृत्ति हो, जैसे जा है, जहां हो गया, जो का हो गया, और भी कई सारी जगह जा यूज हो, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, कह सकते हैं ना, ठीक है। तो गद्य वाली डेफिनेशन से समझ लीजिए, जिसको ये दोहे का रूप ना समझ में आए हो। जहां पर, कहाँ पे यूज होते हैं रस छंद अलंकार? काव्य साहित्य में। जहां पर काव्य साहित्य में एक ही वर्ण, जहां पर काव्य साहित्य में एक ही वर्ण एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, ठीक है, दो से चार बार प्रयुक्त हो, वहां पे हम क्या कह लेंगे कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, कह सकते हैं ना, देख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे ज वर्ण था, जहां एक ही वर्ण, कोई वर्ण, जैसे हमने ज वर्ण लिया, जो एक से अधिक बार, तीन से चार बार अगर आ जाता है एक पूरी कविता की लाइन में, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का यूज हुआ है। एक बार फिर से डेफिनेशन देख लीजिए, जहां पर काव्य साहित्य में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आए वहां पे अनुप्रास अलंकार। उदाहरण के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आएगा। तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। एग्जाम्पल क्या है? तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो यहाँ पे पहचानिए, एक वर्ण हमने ले लिया, कौन सा वर्ण यहाँ पे यूज हो रहा है सबसे ज्यादा? ता वर्ण। तरण में था, तनुजा में था, तट में था, तमाल में था, तरुवर में था, कितने बार आया? तरणी वाला था एक, तनुजा वाला दो, तट वाला तीन, तमाल वाला चार, तरुवर वाला पांच। तो पांच बार भाई आ रहा है ना। और यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारु में चा, चंद्र में चा, चंचल में भी चा है, दो बार चा चा, ठीक है, तो कितना? दो। भाई एक बार तो आया नहीं, एक से अधिक बार आया है, ठीक है, अनेकों बार यूज हुआ है। यहाँ पे तावर्ण की आवृत्ति हो रही बार बार, और यहाँ पे सेकंड वाले में चावर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही। तो डेफिनेशन आपकी क्या बोल रही थी? जहां एक ही वर्ण एक से अधिक बार प्रयुक्त हो वहां पे अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे जो अनुप्रास अलंकार है, एक से अधिक बार आया, बहुत बार आया है, तो स्पष्टीकरण आप कैसे देंगे?
प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत पंक्तियों में ता वर्ण एक से अधिक बार आए। पहले वाले एग्जाम्पल का स्पष्टीकरण है, प्रस्तुत पंक्तियों में ता वर्ण एक से अधिक बार आया है, अतः यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो इस माध्यम से एग्जामिनर भी आसानी से समझ जाएगा कि क्यों बच्चे ने कहा है कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। भाई ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही और ता वर्ण को भी हमने डिफाइन कर दिया स्पष्टीकरण के माध्यम से, तो समझ में आया। एग्जामिनर को भी ऐसे ही अच्छे से समझाना है। अगर चा वर्ण वाला एग्जाम्पल लेना है तो यहाँ पे चा कर देंगे ता की जगह, ठीक है। तो आई होप आपको अनुप्रास अलंकार समझ में आया, इसकी डेफिनेशन समझ में आई, उदाहरण समझ में आया, स्पष्टीकरण समझ में आता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से